पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है। ताजा मुठभेड़ नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बाइक सवार एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। प्राथमिक जांच से पता चला कि आरोपी शातिर किस्म का लुटेरा है, जो दिल्ली NCR में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करता था। उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान लाइक पुत्र अतीक के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा के एडिशनल DCP आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि थाना 39 के पुलिस सेक्टर 100 के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसकी चेकिंग के लिए उसे रोका तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर सेक्टर 43 के पास उसकी घेराबंदी कर ली। अपने आप को घिरा देखकर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और वो गिर पड़ा। पुलिस ने घायल बदमाश को दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। में शाम की जो रूटीन चेकिंग थी, कमिश्नर साहब के निर्देश में सारे थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज अपने क्षेत्र में थे और संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सेक्टर 100 के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो पुलिस को देख के भागा। संदिग्ध समझ के इसका पीछा किया गया और सेक्टर 43 में, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आखिर से घेरा गया। पुलिस से घिरा देख के इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है। इसकी शिनाख्त लईक के नाम से हुई है, जो गाजियाबाद का रहने